यहाँ पे आप देख सकते हैं धनिया की क्वालिटी। तो दोस्तों यहाँ पे बात करूँ चीनी की, तो चीनी देखिए कितना सॉफ्ट ये पीस दिया, वाह। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं अदरक और लहसुन यहाँ पे डाल दिया, एक लहसुन है और अदरक है छोटा सा। हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, ये देख सकते हैं मेरे पास अमेजोन की तरफ से मिक्सर आया है मिनी वाला। चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और आपको बताते हैं कि आपको लेना चाहिए कि नहीं। अगर आप छोटे आइटम में अगर आप चाहते हैं कि अदरक और लहसुन का पेस्ट बनाना है या कुछ मिक्स करना चाहते हैं तो आपके लिए ये मिक्सर अच्छा पड़ेगा। चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और दिखाते हैं दोस्तों। जैसा कि देखो बॉक्स ओपन किया तो कुछ इस प्रकार का यहाँ पे बॉक्स मिला। जहाँ पे देख सकते हैं बॉक्स की अगर बात करूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है ग्राइंडर, यहाँ पे देख सकते हैं इसके बारे में, छोटा सा यह मिक्सर ग्राइंडर है, ये मिक्स कर सकते हैं। अगर इधर बात करूँ तो यहाँ पर बता रहा है कितना ये वोल्टेज लेता है, ओके। और यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर मैंसन किया गया है कि क्या क्या ये मिक्स कर सकता है। यहाँ पर देख सकते हैं धनिया है, क्या क्या है ये सब देख सकते, मिर्च भी है। और इधर बात करूँ तो बॉक्स की साइड कुछ इस प्रकार का आपको देखने को मिलेगी। अगर इधर बात करूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं आइटम लिखा है मटेरियल, राइस 30 सेकंड में कर देगा मिक्स। यहाँ पे हम देख सकते हैं रॉक शुगर 30 सेकंड में, यानी कि 30 सेकंड में ज़्यादातर यहाँ पे आइटम आपको मिक्स कर देगा, यानी कितना ये फास्ट होने वाली है। यहाँ पर क्लीनिंग का इंट्रोडक्शन कुछ दिया गया है, तो चलिए इसको खोलते हैं और फिर आपको मैं लाइव टेस्ट करके भी दिखाऊँगा कि क्या यह सही है कि नहीं, लेना चाहिए कि नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हैं बॉक्स की पैकेजिंग तो थोड़ा अच्छा नहीं था, ये देख सकते हैं। उसके बाद बॉक्स के अंदर अगर बात करूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं यूजर मैनुअल मिला है, जिसे पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो हटाते हैं इसको। और यहाँ पे बात करूँ तो ये पावर केबल है, जिसे कि ये अभी मैं प्लग करके मैं आपको बताऊँगा, ओके, कि ये चल रहा है कि नहीं। और यहाँ पर बात करूँ तो यही वो मिक्सर है। मिक्सर की अगर बात करूँ बॉडी पर, तो यहाँ पर बॉडी आपको प्लास्टिक को देखने को मिलेगी, नीचे की साइड भी देख सकते हैं, एक दो तीन एक गायब है यहाँ पर। और यहाँ पे देख सकते हैं अंदर मोटर लगा हुआ है। अगर बात करूँ तो इसकी बिल्ड क्वालिटी उतना खास नहीं है, फिर भी ठीक ठाक है, ये देखिए हिल रहा है, देख रहे हैं ना। और ऊपर की बात करूँ तो ऊपर देख सकते हो टॉप में ये आपका प्लास्टिक का है, यहाँ पे बटन दिया है, ओके, बटन प्रेस करेंगे तो ये चालू होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए एक दिया गया है ये, और प्रेस करते तो ये ऊपर की तरफ जाता है, तो ये दबता है तो चालू होता है। अगर अंदर की बात करूँ मिक्सर की, तो यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर हार्ड प्लास्टिक है, और अंदर बात करूं तो अंदर आपको स्टील देखने को मिलेगी, ये देख सकते हैं स्टील है। और इधर अगर इसकी ब्लेड की बात करूं तो ये ब्लेड देख सकते हैं काफ़ी शार्प है इसका ब्लेड, लेकिन ठीक है, छोटा भी है। अगर ये बात करूं इसकी तो ये आपका पाइप प्लास्टिक का है, ये दिखने में लग रहा है पत्थर लेकिन ये प्लास्टिक है। और देख सकते कुछ इस प्रकार का अंदर के क्वालिटी है इसके अंदर। अगर स्पेस की बात करूँ तो ये देख सकते हैं मेरे पास छोटा वाला कैंची है, और ये देखिए इसका, ये देखिए इतना ही है, इतना ही स्पेस है, तो इतना में क्या मिक्स होगा आप ही बताइए। फिर भी मैं चेक करूंगा। चलिए सबसे पहले इसको मैं पावर प्लग करता हूं यहां से, ये रहा यहां पे पावर प्लग, और यहां पे इसको लाइन देता हूं। लाइन देने के बाद इसको ये देख सकते हैं ये जो है ढक्कन यहां पे लगाना है, ये देखिए लगाया। लगाने के बाद यहाँ पर ढक्कन आपको प्रेस करेंगे तो ये चालू हो जाएगा, ये देखिएगा, देख रहे हैं चलने लग गया, यानी कि प्रेस करेंगे या आप चाहेंगे किसी चीज़ से भी यहाँ पे प्रेस करेंगे तो ये चलने लग जाएगा, ये देखिए, देख रहे हैं ना, देखिए। तो इसकी अगर बात करूँ मोटर की तो काफ़ी स्पीड है, तो चलिए एक दो आइटम टेस्ट कर लेते हैं क्या ये मिक्स कर पा रहा है कि नहीं, ओके। तो दोस्तों चलिए यहाँ पर तीन चार आइटम लिया हूँ, यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट भी मैं बनाऊँगा, यहाँ पर देख सकते हैं मिर्चा का भी पेस्ट बनाऊँगा, और यहाँ पर देख सकते हैं मैं यहाँ पर टमाटर भी, ये सॉफ्ट आइटम में है। और यहाँ पे बात करूँ ये सूखा आइटम है, तो यहाँ पे धनिया भी है हल्का सा पीस के मैं आपको दिखाऊंगा कि कितने देर में पीस आता है। और यहाँ पे थोड़ा चीनी है, चीनी को भी मैं क्रश करने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पे धनिया चेक कर लेता हूँ, तो यहाँ पे मैं धनिया डाल दिया इतना, ओके, बात करूँ दो तीन मुट्ठी की, तो यहाँ पर दो तीन मुट्ठी यहाँ पर धनिया डाल दिया। अब यहाँ पर मैं यहाँ पर इसको लगाता हूँ, ठीक, यहाँ पर लगा दिया। उसके बाद इसको प्लग दे देता हूँ, प्लग देने के बाद उसको क्या करता हूँ, प्रेस करता हूँ, देखता हूँ, देखूँ दोस्तों कितना पीसा। ये देखिए दोस्तों काफ़ी ज़्यादा पीस दिया है, चलिए मैं ऐसे ही पीस के फिर बताता हूँ। तो
दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, अगर धनिया की बात करूँ तो यहाँ पे धनिया पूरी तरह से पीस चुका है। चलिए धनिया मैं कटोरी में निकाल के मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना पीसा है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं धनिया की क्वालिटी उतना भी नहीं है, लेकिन फिर भी मिक्स किया है आप देख सकते हैं, मतलब नॉर्मली मिक्स के लिए सही होता है। अब इसको हल्का सा क्या करना है, कपड़े से साफ़ कर लेना है। तो चलिए मैं इसको साफ़ करता हूँ, फिर दूसरा आइटम डालता हूँ। अब धनिया पीस लेने के बाद चलिए यहाँ पे थोड़ा सा चीनी मैं पीस के देखता हूँ, तो चीनी ये पिसा रहा है कि नहीं, कैसा पिसा रहा है। ओके, देखता हूँ, मतलब दो तीन आइटम यहाँ पे प्रेस करने वाला हूँ। देखिए तो दोस्तों यहाँ पे बात करूँ चीनी की, तो चीनी देखिए कितना सॉफ्ट ये पीस दिया, वाओ, देख रहे हैं, गजब भाई, मतलब कि चीनी तो अच्छा से पीस दिया। आप देख सकते हो चीनी की क्वालिटी भी, आप यहाँ पे बात करूँ, ये देखिए, देख रहे हैं ना, तो चीनी तो अच्छा से पीस दिया। अब चलिए देखते हैं यहाँ पे टमाटो कैसा पीस रहा है। तो चलिए टमाटो को यहाँ काट कर इसमें डालता हूँ। तो दोस्तों अगर बात करूँ यहाँ पर, तो यहाँ पे आप टमाटर को छोटा छोटा टुकड़ों में काट लीजिएगा, नहीं तो नहीं पिसाएगा। चलिए इसको टुकड़ों में काट लिया हूँ, अब इसको लगाता हूँ, देखता हूँ क्या चल रहा है कि नहीं। यहाँ पे नहीं चल रहा है दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पर मिक्स कर रहा हूँ, यानी कि आपको आराम से यहाँ पर मिक्स करना है। ये देखिए, अगर पेस्ट की बात करूँ यहाँ पे देख सकते हैं, पेस्ट कुछ इस प्रकार के दो टमाटर का तैयार हुआ, और थोड़ा मिक्स कर लेता हूँ भाई। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे पेस्ट, यहाँ पे तो टमाटर का देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का पेस्ट तैयार हुआ। अब चलिए यहाँ पर देखते हैं प्याज, ये भी सॉफ्ट आइटम है, देखते हैं ये कैसा मिक्स करते हैं। अब यहाँ पे इसको भी मैं लगाता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का, यहाँ पे अच्छा से मिक्स भी नहीं कर रहा है ये प्याज को। तो दोस्तों अगर बात करें यहाँ पे, देखिए किस प्रकार से यहाँ पे पेस्ट तैयार किया, ये है आपका प्याज का, अभी देख सकते एक दो टुकड़े बचे हुए हैं, लेकिन क्या करूँ मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ। ओके, देख सकते हैं आप कैसी क्वालिटी है पेस्ट का। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं अदरक और लहसुन यहाँ पे डाल दिया, एक लहसुन है और अदरक है छोटा सा, उसको काट के डाला हूँ। चलिए इसको देखता हूँ क्या ये इसका पेस्ट तैयार कर रहा है कि नहीं। ये दोस्तों देख सकते हैं कुछ इस प्रकार के यहाँ पे अदरक लहसुन का एक पेस्ट तैयार किया। ये देखिए मैं निकाल के दिखा दूँ, ये देखिए, देख रहे हैं ना, अच्छा सा पीस देता है, लेकिन आप हल्का सा इसमें पानी डाल देंगे ना तो अच्छा सा पीसा जाएगा। ये देखिए अदरक लहसुन के पेस्ट की अगर बात करूँ, देख रहे हैं। अब मेरे पास लास्ट मिर्चा बचा है, मिर्चा को भी मैं टेस्ट करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं मैं हरी मिर्च जितना था उतना मैं यहाँ पर डाल दिया। चलिए इसका पेस्ट तैयार करके देखता हूँ। ओके, हरी मिर्च के पेस्ट के तैयार करूँ तो ये देखिए कुछ इस प्रकार का आपको देखने को मिलेगी। ये देखिए कैसे तैयार किया है, हल्का सा दोस्तों इसमें पानी डाल देंगे या कुछ और ज़्यादा मात्रा में रहेगी ना तो अच्छा सा पिसाएगा, थोड़ा सा था इसीलिए देख सकते कुछ इस प्रकार से ही पिसा है यहाँ पे। ये देख रहे हैं ना, ये देखिए देख रहे हैं ना। तो दोस्तों अगर बात करूँ, अगर आप ओवरऑल अगर इसकी रिव्यू के, तो अगर छोटा मोटा अगर आइटम आप मिक्स करना चाहते हैं
तो ये आप ले सकते हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ। और ये देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का इसकी हालत हो जाएगी अगर आप इसे मिक्स करते हैं। अभी देखिए इतना ही मिक्स किया हूँ, नीचे का जो बॉडी है ये काफ़ी गर्म हो चुका है। ओके, तो अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा। ये देखिए क्या क्या आइटम पीस किया हूँ, ये और ये रहा। और सूखे की बात करो तो यहाँ पे धनिया, सूखा मिर्च मैं नहीं मिक्स किया हूँ, काफ़ी समय लगेगा इसीलिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद, जय हिंद।